आज बनाएंगे गोल घी की एकदम नई रेसिपी जो शायद आपने आज से पहले कभी ट्राई करी नहीं होगी। इस रेसिपी को बनाना बेहद ही ज़्यादा आसान है और इसका स्वाद इतना ज़्यादा हटके ऑथेंटिक और एकदम बढ़िया है कि आप अगर एक बार इसे बना लेंगे आप इसकी तरफ खींचे चले आएंगे। ये जो घी की आज हम रेसिपी बनाने वाले हैं इसको कोई भी खाएगा मैं गारंटी करता हूँ वो आपसे बार बार यही पूछेगा कि ये आखिरकार बनाई कैसे, क्योंकि इसका बनाने का तरीका इतना ज़्यादा हटके और यूनिक है कि ये आपका दिल भी जीत लेगा और इसका स्वाद आपकी ज़ुबान का स्वाद भी जीत लेगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें घी की ये यूनिक और ज़बरदस्त रेसिपी बना के शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमने एक गोल घिया ले लेना है जिसको हमने बीचों बीच ऐसे काट लेना है और एक जगह बना लेनी है जिसमें हम इसमें सारी चीज़ें एंटर कर सकें डाल सकें। तो हमने ऐसे काट लिया और बीच में से हमें घिया निकाल लेना है क्योंकि इस घी का अब हम इस्तेमाल करेंगे अपनी रेसिपी के लिए। तो चलिए घी को इस चम्मच की मदद से ऐसे घिया निकाल लेते हैं सारा का सारा। गोल गोल घुमा लीजिए और अंदर एक छेद बना लीजिए जिसमें हम अपनी सामग्री को अभी डालेंगे। तो ये सारा का सारा घी का हमने छेद से निकाल लिया है और ये अब इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, जो और थोड़ी बहुत अगर जगह बन सकती है और हमारा घिया निकल सकता है तो उसे भी इस घी के अंदर से निकाल लेना है। तो चलिए उसको भी हमने फटाफट से निकाल लिया है। अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, कुछ चॉप की हुई प्याज और टमाटर आप रख लीजिए क्योंकि हम आगे की प्रक्रिया में उसका इस्तेमाल करने वाले हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो अब आपने क्या करना है दोस्तों, आप देख सकते हैं जो घिया है हमारा अंदर मैक्सिमम खाली हो चुका है जितना हमें करना था। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस जो घी के हमने अंदर से निकाला इसके छोटे छोटे टुकड़े निकाल काट लेंगे हमारी रेसिपी के लिए और जो बीज हैं वो बीज अलग कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों हमने ये घिया ठीक ठाक प्रॉपर्ट अपने अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में निकाल लेना है। आज की जो ये घी की रेसिपी है ये बहुत हटके है जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और अगर आप एक बार इसको बना लेंगे इस तरीके से तो मैं गारंटी लेता हूँ आप बार बार इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कटोरी में हम अब घिया काट के निकाल लेते हैं। तो ये घिया हमारी रेसिपी के लिए हमें मिल चुका है। तो फटाफट आगे रेसिपी की ओर बढ़ लेते हैं अब, और रेसिपी को आगे बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक पैन ले लेना होगा गैस पे, और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लीजिए, थोड़ा जीरा डाल लीजिए, जीरे के साथ इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा लहसुन कटा हुआ, और साथ ही में इसके बाद हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा प्याज, लगभग एक बड़ा कटा हुआ प्याज हम डालेंगे और हरी मिर्ची डालेंगे। अब इसको आपको थोड़ा सा पकने देना है और उसके बाद इसमें हल्का घुमाने के बाद टमाटर भी डालेंगे। तो पहले घुमा लेते हैं और उसके बाद थोड़ी मूंगफली भी डालिए, लेकिन अब थोड़ा घुमा के पका के फिर टमाटर डालेंगे जब तक प्याज और जो मूंगफली है थोड़ी सी सिक जाएगी। इसको सिकना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि मूंगफली पहले अगर टमाटर डल गया तो पानी लग जाएगा, सिकने में थोड़ी दिक्कत आएगी। अब हमने डाल दिया टमाटर इसमें, लगभग एक बड़ा चॉप करके डाला टमाटर, इसको थोड़ा अच्छे से घुमा लीजिए और उसके बाद ढक्कन लगा के लगभग इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से हम पकाएंगे। तो ये घुमा लिया है हमने अच्छे से, ढकना फटाफट से हमें ज़रूरी होता है ताकि टमाटर हमारा अच्छे से गल जाए। तो चलिए ढक्कन लगा लेते हैं अब। और दोस्तों आज की जो ये घी की रेसिपी है जब बनके तैयार होगी तो आपको ज़रूर इस पर प्यार सा आ जाएगा, इतनी बढ़िया ये तैयार की है। प्याज टमाटर पक गए थे, अब इसमें डाल दिया हमने जो काट के रखा था घी आपके सामने वो, और थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं और उसके बाद मसाले डालते हैं और इस घी को भी पकने देते हैं ढक के। तो पहले पानी गया और अब फटाफट से मसाले डालेंगे एक एक करके। मसाले में सबसे पहले डाल दीजिए नमक, फिर लाल मिर्ची, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, काली मिर्च, जो भी आपको पसंद हो अपने स्वाद अनुसार एक एक करके डाल दीजिए। थोड़ा सा खट्टा मीठा रखने के लिए इसमें अमचूर या फिर चाट मसाला डालेंगे तो और भी बढ़िया स्वाद आ जाता है इसका। इसको अच्छे से घुमा लीजिए और अब ढक के हल्का सा घिया पकना दीजिए, लगभग 2 ही मिनट घिया भी पका लीजिए। घिया 2 से 3 मिनट में आधा गल जाएगा और अभी फ़िलहाल आधा ही गलाना है क्योंकि आगे की प्रक्रिया और भी होनी बाकी है। तो ढक लेते हैं 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट हो गए हैं तो घिया हमारा लगभग पक चुका है दोस्तों, 50 से 60% पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे बॉयल किया हुआ आलू। आलू बॉयल करके रखा था और सिर्फ 2 से 3 आलू छोटे काफ़ी होंगे या 2 बड़े, तो इसको फटाफट से डालेंगे। अब दोस्तों इस रेसिपी में हम आलू डालने के बाद इसको थोड़ा सा मैश भी करेंगे, लेकिन पहले घुमा लेते हैं क्योंकि रेसिपी ना थोड़ी सी जेली टाइप सब्जी बनती है घी की, बहुत ही बढ़िया। और जब इस पर तंदूरी तड़का लगेगा घी के अंदर जाने के बाद वो आपको मज़ा चखा देगा। देखो हम इसे मैश कर लेते हैं,
मैश करने के बाद मैं आपको बताऊंगा आगे की प्रक्रिया, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। मैश ज़रूर अच्छे से कर दीजिए, और मैश करने में थोड़ी तकलीफ़ आए तो आप थोड़ा पानी भी बढ़ा सकते हैं, या फिर अगर सब्जियां भी कच्ची हों, क्योंकि मैश करने के बाद ये बहुत जल्दी आराम से गल भी जाएगी। हमें एक दो मिनट ही और इसको ढक के दम दिलाना पड़ेगा मैक्सिमम मुझे लगता है। तो पानी डाल दीजिए जितनी आपको पतली या गाढ़ी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से, और ये देखिए ये लगभग अच्छे से मैश हो गया है जितना हमें करना था। दरदरा रखना था, एकदम इसका पतला प्यूरी नहीं बनाना है, और ये अब हमारा अच्छे से मिश्रण बनके तैयार हो गया है घी का। इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं ताकि पानी जो अभी थोड़ा डाल था अच्छे से मिक्स हो जाए, और फिर ढक्कन लगा के एक से दो मिनट और दम दिला देते हैं ताकि आलू सेट हो जाए, घिया जितना थोड़ा बहुत रह गया था वो पक गया होगा। ये देखिए भैया क्या बढ़िया बन के तैयार हुई है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इस सब्जी में फ्लेवर का राजा कसूरी मेथी अगर डल जाए तो दोस्तों क्या कहने, सब्जी में चार चांद लग जाते हैं स्वाद में। कभी भी किसी भी सब्जी में डाल के ट्राई कर लेना, 90% सब्जियों में मज़ा ही आने वाला है। तो कसूरी मेथी हमने थोड़ी सी डाल लेनी है, बिल्कुल अलग सी एक खुशबू आने लगती है सब्जी में। आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको थोड़ा तंदूरी का छौंक देने वाले हैं, और तंदूरी का छौंक हम क्या देंगे, एक स्पेशल से घी में जिसको हमने काट के गोल जगह बना के रखी थी उसके अंदर। ये देखिए सारा का सारा सामान फिल कर दीजिए। अब आपके मन में आ रहा होगा इसमें डाल के क्यों छौंक लगा रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जब हम इसके अंदर गैस के ऊपर थोड़ा सा पकाएंगे तो एक खास इसमें खुशबू आएगी घी की, एक जो तंदूरी छौंक अभी हम लगाएंगे उसमें एक घी की खुशबू आने वाली है, और एक ऑथेंटिक घी की खुशबू दोस्तों आपको एकदम एक नई खुशबू ला देगी आपकी सब्जी में, आपको एक नया फ्लेवर ला देगी। तो ये देखिए दोस्तों हमने ढक के रख दिया है, गैस को ऑन रखा है। अब क्या है, इसमें थोड़ी देर से 5-1 मिनट पकने दीजिए, और साथ में आप देख रहे हैं हमने करछी ली उसमें हमने देसी घी डाला है। इस देसी घी के बाद हम इसमें थोड़ा सा इसमें जीरा डाल देंगे, और जीरे के साथ साथ हम इसमें थोड़ी हल्दी डाल देंगे, और जब इसका तड़का मारेंगे इधर साइड में गैस चल रहा है जो घी का, तो जो घी के साथ मिलकर इस तंदूर की खुशबू आएगी वो इसकी सब्जी के स्वाद में चार चांद लगाने वाली है। तो इसीलिए इसे कहते हैं तंदूरी घी की बढ़िया सब्जी। ये देखिए ये फटाफट से गैस बंद करेंगे अपनी करछी वाली साइड का, और ये यहाँ हमारा तड़का, अभी तड़का पूरा गया नहीं, आधा घी डाला है, दो बारी में डाला। ये देखिए, और अब नीचे टिका दिया ताकि ये जो स्मोक था स्टील से जो हमारे जीरे का और हल्दी का स्मोक आ रहा था वो स्मोक इसमें गया है, तो ये जो तंदूरी खुशबू आ जाएगी इसमें घी की खुशबू के साथ वो इसको बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त बना लेगी। एक बार बना के आप ऐसे ही मेहमान घर में आए इस घी के अंदर ही इसको परोस के दे सकते हैं मेहमानों को, और इतना बढ़िया इसका स्वाद आएगा, एक बार चख लीजिए तो आप कहेंगे भाई वाह। इसको थोड़ा सा आप कर लीजिए गार्निश चाहे काजू से, और बस ढक के हमने 1-2 मिनट और पकाया, बढ़िया खुशबू आ गई, और ये हमारी रेसिपी तैयार है। मैं चलता हूँ दोस्तों, कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके जाइएगा।